हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण प्रसाद, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे पहाड़ी किचन में। और आज की जो हमारी रेसिपी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है आज, और त्यौहार स्पेशल है। और आज की जो रेसिपी है चॉकलेट बर्फी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा आज डबल लेयर में कैसे बनाते हैं, और इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपने घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हम मावे को ग्रेट करेंगे और धीरे धीरे ग्रेट करेंगे ताकि उसमें दाने ना छूटें। अच्छी तरह ग्रेट करेंगे और हमारा मावा अभी ग्रेट हो चुका है। मावा यहाँ पे ग्रेट हो चुका है, तो ऐसे ही मावे को ग्रेट करें, दाने ना रहें इसमें, फाइन ग्रेट करें और हमें बनाने में इजी होगा। मैं यहाँ पे लिया हूँ 200 ग्राम मावा, 70 ग्राम शुगर पाउडर एंड 2 टीस्पून चोको पाउडर, 2 टेबलस्पून घी और 100 ग्राम शुगर पाउडर एंड 300 ग्राम मावा एंड 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और ये हम बनाएंगे चॉकलेट बर्फी के लिए, लेयर बनाने के लिए, और ये यूज़ करेंगे हम वाइट बर्फी के लिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे पैन, गैस ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे घी, 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। और घी हमारा मेल्ट हो गया है, हम इसमें डालेंगे मावा, और इसमें डालेंगे अभी शुगर, चम्मच गुलाते रहे और गैस को स्लो रखें ताकि ये नीचे ना पकड़े। पांच मिनट तक इसको ऐसे ही पकाते रहे। इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ध्यान रखें इसको हिलाते रहे ताकि जले ना, और कड़छे को ऐसा घुमाए कि जलना नहीं चाहिए। और हमने इसको 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे, इसका फायर कर लेंगे ऑफ। और एक प्लेट लो प्लेन और इसमें लगाओ घी इसके चारों कोनों में। और इसको प्लेट में डाल दो, ऐसा देखो, ऐसा करके इसको प्लेट में डाल दो। और इसको 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख, बर्फी आप उस समय बनाइए जब ये ठंडा हो जाए, तो उस बाद में इसके ऊपर डालने के लिए इजी हो, क्योंकि ये इस पर 1 आवर करीबन इस पर टाइम लगेगा अभी साइड होने में। तो अभी हम इसको 1 आवर का टाइम देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे डबल लेयर के लिए चॉकलेट बर्फी। यहाँ पर लेंगे हम पैन, और दोस्तों अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर चॉकलेट बर्फी। 1 स्पून घी, 1 को मेल्ट करेंगे, 1 यहाँ पे हमारा घी मेल्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे मावा और शुगर
उसको करेंगे मिक्स। आँच हमारी वो धीमी आँच रखनी है ताकि हमारा जो मावो है नीचे न लगे, और चम्मच को हिलाते रहिए। और हम इसमें डालेंगे चोको पाउडर, उसको करेंगे मिक्स। इसको 5 मिनट तक पकाएं धीमी आंच में। ध्यान रखें 5 मिनट तक इसको पकाते रहें और चम्मच को भी इसके साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, जले ना, तो धीरे धीरे चम्मच को भी हिलाते रहें और आँच को स्लो रखें। ध्यान रहे जब भी ये घी छोड़ देगा तो समझ जाओ हमारी बर्फी रेडी हो गई है। अभी देखो इसको घी को छोड़ने लगी है तो हमारी बर्फी तैयार होने लगी है। हमारी मावा बर्फी है वो तैयार होने लगी है क्योंकि ये घी को छोड़ने लगी है। मावा बर्फी जो चॉकलेट बर्फी है ये रेडी हो चुकी है बनके, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। फायर को ऑफ करेंगे, आप ऐसे करके इसको घी का स्पून लगा के, स्पून पे घी लगा के इसको ऐसे मिक्स कर लें। और ये देखो ऐसे करके ये घी के साथ में उस तरह से, अब इसको कम से कम 2 घंटे इसको फ्रीज में डालिए। 2 घंटे बाद इसको हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमारा 2 घंटा पूरा हो चुके हैं और अब हम इसको निकालेंगे और इस प्लेट में इसको काट के रखेंगे। तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब हम इसको कटिंग करते हैं। तो एक अच्छी नाइफ लो, धीरे धीरे इसको कटिंग करें ताकि ये टूटे ना। इसको ऐसे करके कटिंग करें और फिर ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, बाद में इसको थोड़ा सा ऐसे चीरा मारें साइड में, फिर ऐसे ऐसे। तो उसके बाद इसको नाइफ से या स्पून से निकालें और इसको प्लेट में सजाएं, और अच्छी तरह इसको सजा के लगाएं कि थोड़ा अच्छा दिखे। और दोस्तों अभी देख सकते हैं इसी तरीके से आप घर में बना सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, इजी तरीका है। और आप कभी भी त्यौहार के टाइम पे कभी भी आप बना सकते हैं इसको, मावा चॉकलेट बर्फी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा लें।